बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है अल कलाम टीवी चैनल से और वीडियो का टॉपिक है मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ अब भी यह काम कर लो बच जाओगे, बाय मुफ्ती ताकी उस्मानी। हमने शायद इनकी पहले कोई वीडियो करी है? नहीं, आई गेस ये फर्स्ट टाइम है मुफ्ती ताकी उस्मानी साहब की। बट मुझे ये देखे देखे लग रहा है। हाँ, एक आधी वीडियो हमने करी थी, बताया कि सब कॉन्टिनेंट में टॉप 10 स्कॉलर जो बताए थे उनमें इनका नाम भी था। तो मुफ्ती ताकी उस्मानी की इनकी शायद हम पहली वीडियो कर रहे हैं। तो अल कलाम टीवी से आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 1978 में यानी आज से तकरीबन 38 साल पहले मुझे सबसे पहले अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। अमेरिका, अच्छा। उस वक्त 1978 में सबसे पहले मैं अमेरिका गया था और एक मुसलमान तंजीम की दावत पर गया था। मुसलमान तंजीम का उस वक्त बहुत सी मुसलमान तंजीमों का एक विफाक था जिसने हमें दावत दी थी। तो जब मैं उस तंजीम में पहुंचा और उसका सालाना कन्वेंशन था, उसमें हाजिरी हुई, तो सबसे पहले तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जब शाम को दावत का एहतमाम किया गया तो उसमें कहीं दूर दूर हाजरीन के अंदर इस्लाम और दीन का कोई शायबा नज़र नहीं आता था। ख्वातीन और नौजवान लड़कियां वो मर्दों के साथ और नीम बरहना लिबास में बैठी हुई थी और फिर ऐलान यह किया गया कि अगर किसी को हलाल को खाना खाना हो तो मछली इस्तेमाल करें, जिसका मतलब यह था कि खाने में हलाल का भी कोई फिक्र नहीं थी। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, हम लोग कहीं अलग चले गए। उसके बाद मालूम हुआ कि रक्स व सुरूद की ज़बरदस्त महफिल मुनाकिद हुई। एक बोटिंग का प्रोग्राम था, उस बोटिंग के प्रोग्राम में सारा जो प्रोग्राम था वो रक्स व सुरूद की महफिल में गुम होकर रह गया। ये सारे नज़ारे देखने के बाद जब मुसलमान तंजीम जिसने दावत दी थी उसके सरबराह से मैंने शिकवा किया कि भाई आपने, ये मुसलमान तंजीम है और इसमें कहीं दूर दूर भी कोई साहिबा दीन का नज़र नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, किस वजह से आपने ये इज्तिमा मुनाकिद किया? तो वो लबनानी थे वो साहब जिनसे मैंने शिकवा किया, तो उसके जवाब में उनकी आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे मौलाना आप सही कहते हैं लेकिन ये वो कौम है कि जिसके बारे में बस हम इतना चाहते हैं कि ये कम से कम अपने आप को मुसलमान कहती रहे। ये अगर हम ये समझते हैं कि अगर ये सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहती रहे तो ये भी हमारी कामयाबी है, वरना इसको इस्लाम से कोई ताल्लुक रहा नहीं। इनके आबाओ अजदाद खाने पीने की तलाश में, तजारत और मईशत की तलाश में यहाँ आए थे, उनको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की कोई फिक्र नहीं थी। ये इसी माहौल के अंदर पले बड़े हैं और उसके नतीजे में इनको दूर दूर भी कहीं इनके अंदर कोई शायबा दीन का नज़र नहीं आता। हमारा काम सिर्फ यह है कि इनको इस बात पर जमा कर लें कि भाई तुम मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान कहते रहो, वरना इस्लाम की कोई चीज़ इनके अंदर बाकी नहीं रही। यह मंज़र मैंने 1978 में अपनी आँखों से देखा और यह इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए, और अगर खुदा ना करे
हमारी इस बेतवज्जोही और गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि हमारी नई नस्लें गुमराह हुई, गलत रास्ते पर गई, तो उसका बवाल हमारे ऊपर होगा। क्योंकि कुरान करीम का इरशाद यह है कि अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। जहन्नम से बचाना सिर्फ इंसान के लिए अपना फर्ज नहीं है कि वो खुद अपने आप को बचाए, बल्कि अपने घर वालों को बचाना भी उसकी अपनी जिम्मेदारी। और ये बड़े शर्म की बात होगी कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें अल्लाह ताला के फजल व करम से ईमान और इस्लाम की दौलत वर्षे में अता फरमाई और हम अपनी औलाद को अल्लाह बचाए गलत रास्ते के ऊपर डालने के जिम्मेदार बने। इससे ज़्यादा शर्म की, इससे ज़्यादा नुकसान की कोई और बात नहीं हो सकती। लिहाजा ये मसला जिस अहमियत के साथ तवज्जो का मोहताज है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। अब हालात में तब्दीली आ रही है, ख़ासतौर से इंग्लैंड में और अमेरिका में भी अब बहुत मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो हुई है, इदारे कायम हो रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पर ज़रूरत है उस पैमाने की अभी तक कमी है। और इसका वाहिद इलाज यही है कि जिस जिस के दिल में भी ये दर्द है, वो दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह भी हो सके, वो ऐसे इदारे कायम करने की कोशिश करें, उन इदारों के साथ तआवुन करें, उसमें अपने बच्चों को भेजने का एहतमाम करें। लोग चंदे करते हैं, ठीक है, चंदा भी माली वसाइल को जमा करने के लिए वो भी एक अहम चीज़ है, लेकिन ज़्यादा अहम चंदा यह है कि अपने औलाद को ऐसे इदारों के अंदर भेजने की कोशिश करें जहाँ पर चाहे उनको दुनिया के उलूम की भी तालीम दी जा रही हो, लेकिन इस्लामी माहौल में दी जा रही हो, इस्लामी तरबियत के साथ दी जा रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा भी, अलफलाह भी इसी कस्म की कोशिश में मसरूफ़ है। तो मैं बड़े दर्दबंदी के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब मुसलमानों को इसकी साथ तआवुन की ज़रूरत है, और तआवुन जानी भी, माली भी, और अपने बच्चों को ऐसे इदारों में भेजने के ज़रिए भी। न करेंगे तो अल्लाह बचाए हमारा आखिरत में गरीबान पकड़ा जाएगा। अल्लाह ताला हमारी इस मसूलियत से हिफाजत फरमाए। हाँ जी, तो अब अपना बता रहे हैं कि 1978 में आज से 42 या 43 ईयर्स पहले ये US गए थे, तो वहाँ का जो हालात देखे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ क्या हालात देखे थे। कि कहने को ही लोग वहाँ मुसलमान थे, बट पार्टियाँ चल रही थी, शराब वराब चल रही थी, और इवन खाना तक कहते हैं कि हलाल, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया जिसको हलाल खाना है वो सिर्फ मछली खाए। हाँ। मतलब इसका मतलब है कि जो बाकी फूड है वो हलाल नहीं होगा। स्पेशल अगर अनाउंसमेंट की गई है कि अगर हलाल खाना है तो आप मछली खाइए, बाकी जो बाकी फूड है वो हलाल नहीं होगा। ये तो मेरे ख्याल, ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से अभी तक भी चलता आ रहा है ना ये चीज़ें। तो बाहरली कंट्री में ज़्यादा होता है ये, मतलब वो ज़्यादा, मतलब वो नहीं पढ़ते इसमें कि हलाल हराम का वो नहीं देखते। ये सिर्फ मुस्लिम ही हैं जो हम लोग जो देखते हैं हलाल और उसका, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं उनकी थिंकिंग कैसी है, क्या है पता नहीं, बट उन लोगों की थिंकिंग थोड़ी ऐसे है। ये बोल रहे हैं कि इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो कि उनको इस्लाम फॉलो करने के लिए तरबियत देंगे, तो पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि बच्चा तो हमेशा पेरेंट्स से या घर के एनवायरनमेंट से सीखता चला आ रहा है छोटे से बड़े होने तक। तो जब उनका माहौल ही वैसा नहीं रहा तो उसमें उनकी गलती। पेरेंट्स ने वहाँ जाके ना तरजीह जी पैसा कमाना, कि पैसा कमाओ अच्छी लाइफ से, जो माइंड सेट वो होता है ना, ज़्यादा पैसा, मेहनत करो, ज़्यादा पैसा कमाओ, ये करो। तो पेरेंट्स ने इतना से वो कह दिया कि ज़्यादा पैसा कमाओ, उस चक्कर ना बच्चों पर ध्यान दे ही नहीं पाए कि बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो दे ही नहीं पाए। तो वो एक तरह से नाम के ही मुस्लिम होकर रह गए, वो कर्म से वो मुस्लिम नहीं है। जो इस्लाम की बातें जो फॉलो की जाती हैं वो प्रॉपर फॉलो नहीं। जो मुस्लिम का फ़र्ज होता है 5 टाइम की नमाज, ज़कात और हज पे हज का करना, तो वो सब चीज़ें उनके अंदर नहीं है। तो एक तरह से पैगाम था उन लोगों के लिए जो अपनी कंट्री से दूर कहीं रह रहे हैं, कि अपनी जो भी संस्कृति है, अपना जो भी कुछ है, वो आप अपने थ्रू अपने बच्चे को दो।
इस्लाम को फॉलो करते हुए लाइफस्टाइल को स्पेंड करें, है ना, बाहर जाकर भी, तभी वो मुसलमान है अच्छा और सच्चा। बिल्कुल। तो ये था आज की वीडियो में, और ये वीडियो थी अल कलाम टीवी चैनल से। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।